top of their game and above everything else. Aaj hum baat karne wale hain football legends ki. It's gonna be a whole lot of fun. Welcome to Football Foodies. Main hoon Sunanda. Boys, the nation wants to know who is the real legend. Is it Pele or is it Maradona? Maradona. Pele? Chef, आप बताइए आप किसे बड़ा legend समझते हैं, Maradona को या Pele? मैं Alexis Sanchez को समझता हूँ. I always support Chile, no? Fantastic, okay? You always support Chile? This is not Chilean, this is German. It's against Stitzen. You want to try it? Yeah. Go for it. Moment of truth, Chef. Yeah, we get to know. Is it good? Really good. Yeah? Yeah. Such bolna allowed here, by the way. Let me enjoy it. Nice. Nice. Yeah, thank you. All right, the fact that they can't speak is the fact that it's good. Yes. All right, Chef, good job done. Thank Let's you go so out much. Now. Let's go. Now I can guarantee from the looks of it, you're a footballer, am I right? Yeah, I used to play football, yeah. Yeah? What position? Left back. Yeah? And you're definitely a football fanatic. I don't even know A to B, A, B, nothing. I'm so saying. One right, one wrong. Fair enough. Okay. Now, while you were walking, I was talking to you and I saw this fantastic Maradona tattoo on your calf. Sabko dikhaye aap. So it's not a tough nut to crack that you're a Maradona fan. You think he's the real legend? He's the only legend. Only legend, I like that. Why do you think that football is the most beautiful game ever? Actually, what I have written down there is Joga Bonito, which means a beautiful game. It's probably the best game. It's like 90 minutes action-packed and it's skill, it's beautiful. It is poetry in motion, that's what football is. Football prediction is the theme. Sab keh rahe ki Germany jeetega. इसलिए मैं पब्लिक रिक्वेस्ट पे बना रहा हूं एक जर्मन डिश स्निट्ज़ेल. शुरू करते हैं आज की रेसिपी. फॉर दैट व्हाट वी नीड इज चिकन ब्रेस्ट पीस. ओके, इसे हम अच्छी तरीके से सीजनिंग करेंगे. द कैप्टन ऑफ द टीम विच इज द सॉल्ट. बिना इसके खाना बनता है क्या? अच्छी तरीके से सॉल्ट. आप अगर नोटिस कर रहे हो, मैं सॉल्ट को थोड़ा सा बोर्ड पर फैला रहा हूं. सेम गोज विद ब्लैक पेपर, ग्राउंडेड ब्लैक पेपर. मैं बोर्ड पर फैला रहा हूं. गार्लिक पाउडर, अनियन पाउडर, अ लिटिल बिट ऑफ ड्राइड ओरेगानो एंड सम स्मोकी चिलीज. टू गिव इट सम एक्स्ट्रा हीट यूज करेंगे चिली फ्लेक्स. अब नीचे की तरफ सीजनिंग नहीं है, तो व्हाट वी डू इज थोड़ा सा फुटबॉल मैच की तरह इसे खेलेंगे. अब क्या हुआ है, पूरी सीजनिंग नीचे लग गई, आप देख रहे हो, परफेक्ट. अभी इसे करेंगे टेंडराइज. फॉर दैट वी नीड सम फॉइल पेपर. इसे इस तरीके से ढक देंगे. अब करेंगे इसे टेंडराइज. एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, इस चिकन को इवन कर रहे हैं कि ये इवनली कुक हो. मैं आपको दिखाता हूं. थोड़ा सा और. थोड़े से डांस एक्सरसाइज के बाद ये अब तैयार हो गए. इसे हम साइड में रखेंगे एंड शुरू करते हैं फ्लावर के साथ. द सेम थिंग गोज इन द फ्लावर. अ गुड पिंच ऑफ सॉल्ट एंड अ बिग पिंच ऑफ पेपर, ब्लैक ग्राउंडेड पेपर. ओरेगानो जाएगा, स्मोक चिलीज भी जाएगा एंड सम चिली फ्लेक्स तो बनता है बॉस. जो मसाले चिकन में गए वो यहाँ पर भी जाएंगे. इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करेंगे और करते रहेंगे. एंड नाउ व्हाट वी डू इज ये चिकन बढ़िया तरीके से पतला हो गया, मतलब इवनली कुक होगा, इसलिए हम इसे फटके दे रहे थे. अब इस पर इसमें कोट करेंगे सब मसालों के साथ. पलटी और पलटी इस तरीके से. अरे अंडे तो भूल ही गए यार, अंडे के फंडे तो बनते हैं यार.
अंडे को अच्छी तरीके से डन, थोड़ा सा सॉल्ट। अब हम इस चिकन पीस को इसमें कोट करेंगे और मैं इस ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरीके से इसे कोट करूंगा। तेल गरम हो चुका है, ये देखिए अभी इसमें फ्राई कर देंगे। अगर आप नोटिस कर रहे हो, जब मैंने इसे पैन में डाला, हल्के से डाला ताकि ब्रेड क्रम्स डिस्ट्रॉय ना हो, और जब ये पकता है तो ऑटोमेटिकली ऊपर फ्लोट हो जाता है। बन गया है बढ़िया सा श्निट्ज़ेल, रखेंगे। अब ये देखिए मैं इसे आपको कट करके दिखा रहा हूं, बढ़िया तरीके से पक गया है, नाइस टेंडर और जूसी। अगर ये नहीं पका होता तो ये होता पिंक कलर, बट ये है नाइस एंड वाइट। आई प्रॉमिस यू दिस इज गोना बी वेरी डिलीशियस एंड क्रंची। Now, football is the most beautiful game ever. He cooks the most beautiful food ever. देखते रहिए football foodies और मजे लेते रहिए हमारे recipes का। Until next time, goodbye. Bye bye.